हेलो फ्रेंड, माय नेम अजमुल सैन। कोर्स की में हम आपको वेलकम कहते हैं। इस वीडियो में हम डिव टैग और स्पैन टैग के बारे में देखेंगे और इनमें डिफरेंट देखेंगे। आपको ये लेक्चर आपने बहुत ही यानी कि तवज्जो के साथ लेना, क्योंकि ये जो हमारा वेबसाइट जो हम क्रिएट करते हैं, डिव के बगैर वेबसाइट हमारी क्रिएट नहीं हो सकती। 90% जो हमारी वेबसाइटें होती हैं उसमें हम डिव टैग यूज़ कर रहे होते हैं, और इसमें जो हमारा 10% टैग हम यूज़ करते हैं वो स्पैन टैग हमारे पास यूज़ होता है। तो इसलिए ये चीज़ें आपने जो आज वाले मैं चीज़ें बताऊँगा डिव और स्पैन के बारे में, इसको आपने पूरी तवज्जो के साथ देखना है। इसके यानी कि हमारी जो वेबसाइट होती है वो सारी की सारी डिव टैग पर ही मुश्तमिल होती है। 90% या इससे भी ज़्यादा हम जो टैग यूज़ करते हैं वेबसाइट में वो हमारे पास डिव टैग ही होता है, और दूसरा हम स्पैन टैग यूज़ करते हैं। और इसमें डिव टैग में अब आपको हम यहाँ पर डिव टैग ले लेते हैं, और इसका देखिए ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। और दूसरा मैं इस पर स्पैन टैग ले लेता हूँ, इसका भी ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। इनके दरमियान मैं रैंडम टैक्स, ठीक इतने बोल रैंडम टैक्स ले लिया, और इसके दरमियान मैं क्या लेता हूँ, रैंडम रैंडम टैक्स ले लिया। अब जैसे ही मैं अपने डिफॉल्ट ब्राउजर पर जाऊँगा तो आप देखिए आपको अच्छा, इसमें ना हमने मार्जिन लिया था लास्ट वीडियो में, यहाँ पर जो मैं मार्जिन को मैं रिमूव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और अपने इधर। अब देखिए ये यहाँ पर आपने देखेंगे कि रैंडम टैक्स आ रहा है, इसमें भी रैंडम टैक्स आ रहा है, लेकिन हमें कोई इनमें कोई खास वजह नज़र नहीं आ रही, कोई खास डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो खास डिफरेंट मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने ये लेक्चर पूरे ध्यान से, आपने इसमें दो ही प्रॉपर्टी पाई जाती हैं दोनों में जो डिफरेंस करती हैं इन दोनों का, आपने ध्यान से दोनों बातें सुनी है। डिव जो हमारे पास होता है, डिव जो हम टैग लेते हैं वो हमारे पास 100% विड्थ लेता है, यानी कि 100% विड्थ लेगा। जो स्पैन होता है वो 100% विड्थ नहीं लेता, यानी कि जितना हमारा कंटेंट होगा स्पैन टैग के अंदर उतनी ही उसकी क्या होगी, विड्थ होगी। डिव टैग का करता है 100% लेगा टैक्स, जितना मर्जी हो उसमें कंटेंट, जितना मर्जी हो, लेकिन जो वो विड्थ वो 100% ही लेगा। स्पैन क्या करेगा, जितना कंटेंट होगा उतनी ही वो क्या लेगा, विड्थ लेगा। एक प्रॉपर्टी इनमें ये थी डिफरेंस। दूसरी प्रॉपर्टी इनमें जो डिफरेंस करती है वो ये करती है कि पहले हम एक प्रॉपर्टी की बात यानी चलो दूसरी प्रॉपर्टी आपको इस साथ बताता हूँ। जो डिव होता है वो हम अगर डिव टैग खुद भी और आने वाले जो नेक्स्ट टैग होगा दोनों को न्यू लाइन से स्टार्ट करता है, यानी कि जो डिव जब भी हम टैग लिखेंगे वो खुद न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, और जो इससे आगे टैग आएगा उसको भी वो नेक्स्ट लाइन पर स्टार्ट करेगा, उस लाइन पर उसे स्टार्ट नहीं होने देगा। जो स्पैन है, जो डिव है, डिव हमारे पास ब्लॉक टैग होता है, यानी कि वो खुद भी न्यू लाइन पर स्टार्ट होंगे और इसके जो नेक्स्ट टैग होंगे उनको भी वो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पर वो क्या करेंगे, स्टार्ट होने देंगे। जो स्पैन होता है, स्पैन ऐसा नहीं करता, स्पैन खुद भी न्यू लाइन पर स्टार्ट होगा और इससे आगे जितने जो इसके आगे टैग लिखेंगे वो भी इसके आगे ही स्टार्ट होंगे। अब मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और वाजह फर्क दिखाता हूँ, कैसे हम इनमें जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। अब मैंने डिव टैग दिया है, पहली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर मैं देता हूँ डिव टैग, ताकि आपको ये हमारे पास डिव टैग और इधर मैं लेता हूँ स्पैन टैग। डिव टैग यहाँ पर एक इसको मैं कॉपी करके दोबारा इधर पेस्ट करता हूँ। अब आप देखेंगे इसको भी कॉपी किया, पेस्ट किया। अब देखेंगे ये जो डिव है, डिव क्या करेगा, अपने नेक्स्ट जो नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट टैग हमारे पास क्या है, डिव है, इसको भी वो क्या करेगा, न्यू पर होगा, न्यू लाइन पर ये क्रिएट हो। इसके आगे जो हमारे पास स्पैन आ रहा है इसको भी मजबूर करेगा, ये भी नेक्स्ट लाइन पर क्या हो, क्रिएट हो। अब इसमें देखिए एक मिनट, मैंने इधर कंट्रोल एस नहीं किया, आई थिंक। अब देखिए हमारे पास पहला टैग हमारे पास क्या था, डिव, उसने क्या किया, न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ। उससे आगे क्या टैग था, डिव, वो क्या था, वो भी क्या हुआ, अपने न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ डिव टैग से। और
इसके बाद जो हमारे पास स्पैन आ रहा था, स्पैन, अब देखें डिप टैग करता है, खुद भी न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, जो उसके आगे टैग होता है नेक्स्ट, उसको भी क्या करता है, मजबूर कर देता है कि वो भी किससे स्टार्ट हो, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। यहीं पर देखें दूसरा टैग हमारे पास, ये देखें रैंडम, और तीसरा हमारे पास गया स्पैन। अब देखें उसने क्या किया, खुद क्या हुआ, न्यू लाइन पर तो स्टार्ट हुआ, लेकिन उसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन हमारे पास किया था स्पैन टैग, ये जो हमारे पास स्पैन है, उसने इसको भी मजबूर कर दिया कि वो स्पैन टैग वो भी क्या हो, नेक्स्ट लाइन से क्या हो, क्रिएट हो। और उसके जो हमारे पास चौथा हमारे पास टैग था वो भी क्या था, वो स्पैन था, वो देखिए स्पैन इन लाइन था, ये खुद भी क्या, ये खुद न्यू लाइन पर स्टार्ट नहीं होता, और इसके आगे जो टैग होता है वो भी इसके आगे ही क्या था, क्रिएट होता है, देखिए इसलिए ये नेक्स्ट लाइन पर इसने मूव नहीं किया। ये थी हमारे पास एक प्रॉपर्टी, एक डिफरेंट था इनमें। अब दूसरा डिफरेंट हम देखने के लिए हम देख लेते हैं इनको, मैं इसको हटा देता हूँ, और इधर से भी एक मैं क्या करता हूँ कर दिया। इसमें एक मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा बॉर्डर देने के लिए, ताकि हमें पता चले हम कितनी हमारा जो विड्थ ले रहा है, विड्थ दिखाने के लिए वो हम स्टाइल एट्रीब्यूट लेते हैं, जिसे हम CSS कहते हैं, CSS हम जाकर बकायदे की सीखें, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ हम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिप टैग 100% लेता है विड्थ, और स्पैन सिर्फ उतनी लेता है जितनी कंटेंट था। आपने परेशानी होना CSS में इस पर भी हम बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे बॉर्डर क्या होता है, सारी हम उस पर डिटेल से भागे। फिलहाल आपने देखी, मैंने बॉर्डर ले लिया, बॉर्डर में ले लेता हूँ कि 1 pixel सॉलिड ब्लैक ले लेते हैं, इसको मैंने Ctrl+S किया, और इधर भी मैं ले लेता हूँ स्टाइल बॉर्डर 1 pixel सॉलिड, इसको रेड कर देते हैं, कॉमा इधर भी दे देते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर क्या होता है, और इसका और हमने जो 1 pixel क्यों लिखा, सॉलिड क्यों लिखा, कलर कौन सा दे सकते हैं कौन सा नहीं दे सकते, इस पर हम CSS पर बगैर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ स्पैन कितनी विड्थ लेता है दिखाने के लिए, और डिव लेता है कितनी लेता है। अब देखिए ये हमारे पास डिव टैग था, अब डिव टैग क्या कर रहा है, हमारे ब्राउज़र पर क्या कर रहा है, 100% विड्थ ले रहा है, देखिए 100% क्या ले रहा है, विड्थ ले रहा है। और जो स्पैन है, स्पैन कितनी ले रहा है, जितना उसका टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के लिहाज से, वो क्या कह रहा है, कंटेंट के लिहाज से विड्थ ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं कंटेंट थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ, तो देखिए यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट ऑफ दी, टेक्स्ट ऑफ दी, अब देखिए यहाँ पर मैंने इतना लिया, मैं Ctrl+S करूँगा तो देखिए इसकी स्पैन की विड्थ क्या होगी, अब इंक्रीज कर देगी कंटेंट के पर डिपेंड कर रही है। अब देखिए इंक्रीज करके क्यों कर गई, क्योंकि जितना कंटेंट था उतनी ही विड्थ ले रहा है। इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें।